आहे आजचे पहिले नाटक स्वच्छता अभियान। मेरे प्यारे मोहल्ले वासियों, भाइयों एवं बहनों, आपने कल का अखबार पढ़ा था? जी हाँ देवी एवं सज्जनों, प्रधानमंत्री महोदय ने वर्ष 2014 से भी स्वच्छता अभियान का शिलान्यास किया था। अरे उस समय तो उन्होंने स्वयं अपने संसदीय क्षेत्र बनारस के अस्सी घाट पर बावड़ा टोकरी झाड़ू लेकर श्रमदान किया था, खुद सफाई किया था। उस वर्ष तो एक लहर चल पड़ी थी, नेता, समाज सेवक, सेलिब्रिटी, खिलाड़ी, उद्योगपति सभी हाथ में झाड़ू लेकर साफ सफाई के काम में जुट गए थे। बहुत लोग सिर्फ फोटो खिंचवाकर अतः जी आप हमारे पड़ोसी रहमान साहब की बेगम को देख लीजिए, अपने घर का कूड़ा कचरा चुम्बन में आके दरवाजे फेंक देती। आप और नानी बेगम पर फालतू इल्जाम लगा रहे, कोई सबूत है आपके पास? है ना? ये देखिए जैसे की
हमें निवेदन करना होगा। महानगर पालिका हमारी मदद करने में तभी सफल होगी जब हमारे मोहल्ला वासी खुद अपनी गलतियां सुधारें। इसके लिए क्या करना होगा? सबसे मिलना होगा, समझाना होगा। हाँ, यह ठीक रहेगा। चलिए चलते हैं। Yeah.
अध्यक्ष बाबू, कुछ भूल हो गई क्या हमसे? जरा नजर उठाकर देखो, चारों ओर गोबर और मूत्र फैले हुए हैं, घासों का अंबार लगा हुआ है, नालियां बज बजा रही हैं। आपकी भैंसे, आसपास के लोग और आपका परिवार और आप खुद इस गंदगी से फैलने वाली बीमारियों के चपेट में आ सकते हैं। साहब लोग माफ करिएगा, हमारा तबेला महानगर पालिका के आदेश के अनुसार मुंबई शहर से बाहर जाने वाला है। अभी के लिए मैं सफाई व्यवस्था करने का वचन देता हूँ। ए भाजी ले लो, ए भाजी ले लो, पालक मेथी गोभी टमाटर बैंगन ले लो, ए भाजी ले लो, पालक मेथी 10 का ले लो, टमाटर 20 रुपए किलो, ए गोभी 10 रुपए भाव, बैंगन ले लो 20 रुपए किलो, ए भाजी ले लो। बोलिए हुजूर, धंधा तो खूब जोर पर है ना? कहाँ हुजूर, जीने भर का कमा लेता हूँ, अपना परिवार चलाने भर का कर्ज तो निकाल लेते हो। परिवार तो गांव में है, यहाँ अकेले रहता हूँ। अपना परिवार यहाँ नहीं है तो दूसरे लोगों के परिवार की तुम्हें जरा भी परवाह नहीं है? क्या कह रहे हो हुजूर, कोई गलती हो गई क्या? अरे भाई, सब्जी बेचते हो और टंटर पत्तियां यहाँ वहाँ फैला देते हो, झाड़ू भी नहीं लगाते। म्युनिसिपैलिटी है ना साफ सफाई के लिए? म्युनिसिपैलिटी वाले क्या क्या करेंगे, कुछ हमें भी करना चाहिए। ठीक कर रहे हैं आप, आज से मैं साफ सफाई करूंगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा। इतनी शक्ति हमें दे मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर स्वागत है। स्वच्छता की मुहिम एक अति
आवश्यक हुई है। प्रधानमंत्री जी, राज्य के मुख्यमंत्री जी, सबका जोर इस अभियान को सफल बनाने पर लगा हुआ है। आपके स्तर पर क्या प्रयास हो रहे हैं? हमने वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री जी का आह्वान होते ही इस अभियान को सफल बनाने के लिए कमर कस ली है। अभी 4 दिन पहले ही स्थानीय सांसद, विधायक, वार्ड ऑफिसर, शासकीय अधिकारी व शिक्षा निरीक्षक का दौरा हमारे स्कूल में हुआ था। मीटिंग लेकर बच्चों पार्कों से स्वच्छता अभियान को सफल बनाने पर चर्चा हुई। आपकी शाला तो बड़ी स्वच्छ है। हाँ महोदय, हमारी शाला का चयन स्वच्छता अभियान के अंतर्गत सबसे स्वच्छ और सुंदर शाला के रूप में किया गया है। अपनी शाला को इतना सुंदर व स्वच्छ बनाने हेतु आपकी क्या कार्य योजना है? हमारे यहाँ प्रतिष्ठा संस्था के सफाई कर्मी आते हैं। विभागीय सफाई कर्मी भी इस काम को अंजाम देते हैं। शाला परिसर, वाटर पंप, गार्डन, कक्षा कक्ष, खिड़की, दरवाजे, छज्जे, पंखे सबकी नियमित रूप से सफाई की जाती है। आपकी शाला को देखकर हम सब बहुत खुश हैं। बेटे यहाँ आइए। तो आपका नाम क्या है? श्रीमान जी, मेरा नाम रोहन है। किस कक्षा में पढ़ते हो? कक्षा 7 में पढ़ता हूँ। स्वच्छता अभियान का कोई गीत सुना सकते हो? हाँ महोदय, हमारी शाला के सभी विद्यार्थी स्वच्छता अभियान का एक सुंदर सा गीत प्रतिदिन गाते हैं। क्या हमें वह गीत सुनाओगे? अवश्य सुनाएंगे।